एक क्वेश्चन और किया जाए, ये फिर से एक छड़ है जिसका द्रव्यमान m है, लंबाई l है, इसको एक सिरे से l बाय फोर दूरी पर एक बिंदु से किलकित किया गया, होल करके इसके सापेक्ष लटका दिया गया, तो इसकी कोणीय सरल आवर्त गति का आवर्त काल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है जी, राइट। इसको कुछ कोणीय विस्थापन देके छोड़ा जाए, अल्प कोणीय विस्थापन, ज्यादा नहीं दे रहे। अब ये फोटो में तो आपको ये 5 डिग्री से ज्यादा दिख सकता है, क्योंकि फोटो में आपको बहुत सारी चीजें बारीकी से समझानी पड़ेगी, इसलिए मेरे को यहां पे जगह चाहिए, इसलिए मैंने ज्यादा कोण दिखाया है 5 डिग्री से कम। अच्छा जी, ये बताओ इसका भार कहां लगेगा? वही द्रव्यमान केंद्र पे कितना लगेगा, एम जी, बोलिए हाँ या ना। और ये पूरा एल बाय टू था जिसमें से एल बाय फोर गया, तो ये दूरी कितनी है जी, एल बाय फोर। अब ये दूरी कितनी है जी, एल बाय फोर। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। ये बात सबके समझ में आ गई, राइट। मैं फिर से बनाता हूं, ये कोण थीटा बोल रहे हैं, ये छड़ है जिसमें ये हिस्सा एल बाय फोर, और जहां पे द्रव्यमान केंद्र पर नीचे की तरफ भार लगा वो भी, वो दूरी भी एल बाय फोर, ये दूरी भी एल बाय फोर, ये कोण भी थीटा, और ये घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष इस बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, देखो ये एल बाय फोर, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एल बाय फोर साइन थीटा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रत्यानयन बलागुण। आपने लिखा प्रत्यानयन बलागुण बराबर बल, बल कितना एम जी, और बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी वो कितनी हो जाएगी, एल बाय फोर साइन थीटा। हाँ है ना, तो आपके पास प्रत्यानयन बलागुण हो गया माइनस का एम जी एल बाय फोर इंटू थीटा। क्यों हो गया, क्योंकि आपने क्या बात की थी, अल्पकोणीय विस्थापन ही देना है साहब, है ना, अल्पकोणीय विस्थापन देना है, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को लगभग कितना लिखोगे, थीटा। ये कौन आ गया, प्रत्यानयन बलागुण। इस प्रत्यानयन बलागुण को किससे तुलना करोगे, माइनस में सी थीटा से, तो इससे आपके पास कितना आ जाएगा, टॉरिजनल कांस्टेंट यानी कि मरोड़ी नियतांक कितना, एम जी एल बाय फोर, यस। अब दूसरी बात है यहां पे जड़ता गुण की। अब ये ना तो एक सिरे से पारित हो रही है अक्ष, ना घूर्णन अक्ष द्रव्यमान केंद्र से पारित हो रही है, परंतु एक काम कर सकते हैं, क्या इस अक्ष के सापेक्ष जो इसके द्रव्यमान केंद्र से पारित हो रही है, जड़ता गुण कितना होता है, एम एल स्क्वायर बटे 12, और निकालना इस अक्ष के सापेक्ष है, तो ये दोनों अक्ष समांतर हैं क्या, हाँ। क्या दोनों समांतर अक्षों के मध्य दूरी l by 4 है, यस। तब क्या लिखोगे, I equals to IC plus MH square, क्या है ये, समांतर अक्षों की प्रमेय, यस। तो क्या लिखोगे, I बराबर IC ML square बटे 12 plus MH, दोनों समांतर अक्षों के मध्य दूरी L by 4 का होल स्क्वायर, I equals to, यहाँ आएगा 16, ये है 12, 16 और 12 का LCM होगा 48, तो इसको 48 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा, तो 4 ML square बटा 48, ये आएगा 16, 48 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो 3 ML square बटे 48, तो I बराबर आपके पास आ गया 7 बटे 48 ML square। इस कोणीय एसएचएम का आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए आपके पास
जड़ता गुण आई है आपके पास, मरोड़ी नियतांक सी है, आप आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। टी बराबर टू पाई अंडर रूट में आई अपॉन सी, टी बराबर टू पाई अंडर रूट में आई की वैल्यू 7/48 एम एल स्क्वायर बटे सी का मान क्या लिखेंगे, एम जी एल अपॉन 4, एम से एक एम एल से एक एल कैंसिल हो गया, 4 ऊपर जाएगा 48 को काटेगा 12, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में ऊपर 7L और नीचे 12G, ये इसका क्या हो जाएगा आवर्तकाल। बोलिए बात क्लियर है क्या? ओके एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये सारे क्वेश्चन अपन दोबारा भी कर सकते हैं क्योंकि अपन इस सब के लिए एक थ्योरी और पढ़ रहे हैं अभी। चलिए क्या क्वेश्चन है, अब तो मेरी जो मैंने ये कॉन्सेप्ट कोणीय सरलावर्त गति वाला पढ़ लिया उसके बाद तो मैं किसी को भी कोणीय दोलन करा रहा हूं भाई साहब। ये है वृत्ताकार चकती सर्कुलर डिस्क जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, इसको एक इसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु से निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है, किलकित किया गया है और इसको थोड़ा सा कोणीय विस्थापन देकर छोड़ दिया कि जा भाई जीले तेरी जिंदगी। ये भी इसकी व्यास, कितना कोणीय विस्थापन दिया आपने जी, थीटा, और उधर ले जाके छोड़ दिया तो आप क्या, इसका क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है, राइट। अच्छा जी, ये इसकी व्यास है तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, केंद्र पर, तो उसमें भार कहां लगेगा, यहां पर, कितना भार लगेगा mg, इस भार की वजह से ये क्या होगी, वापस आएगी, तो बल की क्रिया रेखा यही है क्या, ये त्रिज्या के बराबर है क्या, ये कोण भी थीटा ही है क्या, तो भार की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, r sin थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, प्रत्यानयन बलाघूर्ण बराबर बल, बल यानी कि mg इंटू बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r sin थीटा, और थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को आप कितना लिखेंगे, लगभग थीटा, यस, तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, माइनस का एम जी आर थीटा, इसकी तुलना करेंगे आप माइनस सी थीटा से, तो आपके पास टोरिजिनल कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी आर, यस नो, और इस वृत्ताकार चक्ति का स्पर्श रेखीय और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़ता घूर्ण, याद करो चक्ति का ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष एम आर स्क्वायर बाय टू और स्पर्श रेखीय तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष 3/2 एम आर स्क्वायर, आई बराबर आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, याद करा रहा हूं, आई इक्वल्स टू आई सी, ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम, इन दोनों अक्षों की मध्य दूरी कितनी, आर, आर का स्क्वायर, तो जड़ता घूर्ण क्या सिखाया था आपको, 3/2 MR स्क्वायर, हाँ या ना, आई है सी है, आवर्तकाल निकाल सकते हो, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन सी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में आई 3/2 MR स्क्वायर, सी एम जी आर, एम से एक एम, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आवर्तकाल इस शक्ति का कितना आया, 2 पाई अंडर रूट में 3R/2G। बोलिए बात सही है क्या, क्लियर है सबको, ओके।